गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई शिफाली फ्रॉम डिप्स ब्लूमिंगडेल्स। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर ट्रेवल। मार्को वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड दस ही पेड कीन अटेंशन टू एवरीथिंग। जो मार्को था वो एक एक चीज़ को बहुत गहराई से नोटिस करने वाला था, इसलिए वो हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था, उन्हें ध्यान से देख रहा था। He met people of many different religions and learned new things throughout his journey. He learned Mongolian, Persian and Turkish. He was the first European to come across petroleum, the oil from which petrol is made. The people of Georgia used it to soothe their skin. उसको रास्ते में कई धर्मों के लोग मिले और उसने अपनी जर्नी में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। उसने कई तरह की लैंग्वेज भी सीखी, जैसे कि मंगोलियन, पर्शियन और टर्किश। वो पहला यूरोपियन था जिसको पेट्रोलियम के बारे में पता चला, जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं। जॉर्जिया के लोग उस टाइम पर पेट्रोल को यूज़ करते थे अपनी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए। The Apollo's journey to China brought them face to face with many challenges. Perhaps the biggest of them was going through one of the largest deserts of the world, the Gobi Desert in Asia. Marco later described it as, "This desert is reported to be so long that it would take a year to go from end to end, and at the narrowest point, it takes a month to cross it. It consists entirely of mountains and sands and valleys. There is nothing at all to eat." कि जब उन्होंने ट्रेवल किया तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ा। मार्को ने डिस्क्राइब किया कि सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ थी उनके लिए गोबी डेजर्ट को क्रॉस करना। उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या बताया कि अगर उसको एक एंड से दूसरे एंड तक हमें पूरा क्रॉस करना है तो उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए कम से कम एक साल लग जाएगा, और उसके नैरो वेस्ट पॉइंट्स मतलब वेस्ट में जो पॉइंट्स हैं उनको क्रॉस करने के लिए पूरा 1 मंथ लगेगा। और जो ये सारा रास्ता था वो माउंटेन्स पर्वतों से, रेत से और वैलीज से, जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं उनसे भरा हुआ था, और इस पूरे रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फाइनली आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ ट्रेवल द पोलोज रीच्ड चाइना एंड मेट द एम्परर कुलबाई खान हु वाज स्टेइंग एट हिज समर पैलेस नोन एज शांगडू। द पोलोज लिव्ड इन चाइना फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स। निकोलो एंड माफियो पोलो वर ग्रांटेड इम्पोर्टेंट पोजिशंस इन कुबलाइज कोर्ट। मार्को इम्प्रेस्ड खान विद हिज टेल्स एंड सून ही वॉज एम्प्लॉयड एज हिज स्पेशल एनवॉय। एज अ रिजल्ट मार्को वॉज सेंट टू फारफ्लॉन्ग एरियाज ऑफ एशिया नेवर बिफोर एक्सप्लोर्ड बाई यूरोपियंस। फाइनली 4 साल बाद उनकी जो यात्रा थी वो कम्प्लीट हुए और वो चाइना पहुंच गए, और वहाँ का जो एम्परर था कुबलाई खान उसको मिले, जो उस वक्त पर अपने समर पैलेस में रह रहा था, जिसका नाम था शानगुरु। जो पोलोस थे वो चाइना में अगले 16 साल के लिए रहे। इन 16 सालों में निकोलो और मैफियो ने बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बना ली थी कुबलाइस की कोर्ट में। मार्को ने भी खान को, मतलब जो वहाँ का एम्परर था, उसे अपनी स्टोरीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया था, खुश कर दिया था, और जल्दी ही उसने भी उनके जो दरबारी हैं उनमें अपना एक इम्पॉर्टेंट स्थान बना लिया था। उसके रिजल्ट के कारण ही जो मार्को है उसे एशिया में दूर दूर जगहों पर भेजा जाता था, जिन चीज़ों को यूरोपियंस ने कभी भी डिस्कवर नहीं किया था, जिनको नहीं देखा था। दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।